कहानी बॉल पेन की, कैसे हुई इसकी खोज, चलिए आपको बताते हैं। बॉल पेन की खोज करने वाले दो भाई थे जो हंगरी के रहने वाले थे। उन दोनों को ब्रो बंधु के नाम से जाना जाता था। लाजलो ब्रो हंगरी के एक पत्रकार थे। 1935 में वो एक छोटे से अखबार के संपादक थे। खबर लिखते समय उनको फाउंटेन पेन में स्याही भरना और उसके खत्म हो जाने से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की। उनके एक भाई यार्गी भी एक केमिस्ट थे। लगभग 50 साल के बाद ब्रो बंधुओं ने बॉल पेन की चुनौती को हल करने का बीड़ा उठाया। वो खुश किस्मत थे कि उनको अगस्तिन हुस्तो का मार्गदर्शन मिला, जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति थे। लाजलो और यार्गी के बॉल पॉइंट पेन का मॉडल हुस्तो ने जब देखा तो अर्जेंटीना में फैक्ट्री लगाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध होने की वजह से ये दोनों भाई पेरिस वापस आ गए। काफी लंबे समय के बाद इस खोज को प्रमाणिकता मिली। इस नए मॉडल को 10 जून 1943 को पेटेंट कराया गया और बॉल पेन अपनी कहानी लिखने की राह पर चल निकला। बॉल पेन अपने आप में कोई मामूली कामयाबी नहीं थी। सच्चाई तो यह है कि ब्रिटेन की सरकार ने युद्ध के कामकाज में इस पेन को इस्तेमाल करने का लाइसेंस भी लिया था। 70 साल बाद आज पुराने बॉल पेन के बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है।